आइए गोपाल जी, वेलकम रुक्मिणी भाभी। सी टीवी की तरफ से आपका स्वागत है और 25th मैरिज एनिवर्सरी के लिए हम सब की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। चलिए आइए 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 गोपाल जी आइए। वाह, मिसेज एंड मिस्टर गोपाल जी सेलिब्रेट सिल्वर जुबली एनिवर्सरी। आइए। आपको हमारा लेटर वगैरह ठीक से मिल गया था ना? जी हाँ, बिल्कुल मिल गया। हाँ, सही वक्त पे मिला, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे आप मुझे अवार्ड ही देने वाले। अवार्ड? हाँ, इसलिए। अरे भाई, 25 साल बीवी के साथ गुजारना कोई मामूली बात है क्या? देयर विल बी 25 नॉट आउट। 25 साल, मैं ही जानती हूँ मैंने उनके साथ कैसे गुजारे हैं। और कोई होती ना। बैठो बैठो बैठो, आ जाएगी एक दो घंटे में। जी, जब सब्जी लेने जाती है ना तभी 2 घंटे लगाती है मेकअप के लिए। फिर आज तो कैमरे के सामने आना है, करोड़ों दर्शक दुनिया भर में उन्हें देखने वाले हैं। बैठो, आगे 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 बैठिए। मैं जरा अपने कैमरामैन और असिस्टेंट को इंस्ट्रक्शंस लेके आता हूँ, आप आराम कीजिए। मैं क्या भेजूँ आपके लिए? चाय, ठंडा कॉफी विदाउट शुगर? चलो आप बैठिए, मैं आती हूँ। मैं कैसे दिख रही हूँ? तुम कहाँ दिख रही हो? एक तो मेकअप ही मेकअप रहा है। क्या मतलब? ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कितना अच्छा डेकोरेशन किया है ना। लेकिन ये सिल्वर जुबली एनिवर्सरी लिखने की क्या जरूरत थी? सिर्फ मैरिज एनिवर्सरी लिखते तो चौंक, तुम्हें इसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे भाई, इससे उम्र का पता चल जाता है ना। सारी पड़ोसन जो है वो लोग 25 साल में 16 साल ऐड करेंगी और जान जाएंगे कि मैं 41 साल की। तुमसे कह देना कि जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त हम बच्चे थे और छोटी उम्र थी तुम्हारी, तुम मासूम थी, ना समझ। हाँ, ये भी सही है। वैसे कौन सी समझदार औरत तुमसे शादी करती है? तुमने अभी से शुरू कर दिया। थैंक यू, ये लो। अरे, कॉफी पीने के बाद में हमें इंटरव्यू की तैयारी भी करनी है। थैंक यू। ये पता है, मेरे पहले से ही रट लिया है क्या क्या बोलना है। रुक्मिणी, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि जो जो नहीं बोलना है वो रट लो तुम। फिनिश लाइट वाइट लग गया ना, तैयार हो गए ना? सही, ये तो हमेशा की तरह मेरी शिफ्ट बढ़वाएगा। हाँ, देखो रुक्मिणी, आज हमारा मानो इम्तिहान है। आज अगर हम अच्छा नहीं बोले तो सबके सामने नाक कट जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मुझे टीटू ने सब लिख के दिया है। टीटू ने? अरे बाबा, तब तो हो गया आज के प्रोग्राम का सत्यानाश। देखो मैं तुमको कह देती हूँ, मेरे भाई के लिए ऐसी ऐसी बात मत करना। हाँ, अरे हीरा है हीरा। देखो कितना अच्छा लिखा, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। प्यारे दर्शकों मुस्कुराओ। प्यारे दर्शकों मुस्कुराओ? अरे वो क्यों मुस्कुराएंगे? भाई मुस्कुराओ ब्रैकेट में है, मेरे लिए है। हाँ, ऐसे। प्यारे दर्शकों, हमारी संस्कृति में विवाह को पवित्र माना जाता है। यहाँ हम 7 जन्म तक अपने जीवन साथी के साथ साथ निभाने की कस्में खाते हैं। तो पश्चिम में एक ही जन्म में 7-7 जीवन साथी होते हैं। कितने खुश नसीब हैं। क्या? हम लोग कितने खुश नसीब हैं, क्योंकि यहाँ डिवोर्स कम होते हैं ना। लेकिन पश्चिम में आदमी शादियाँ कम करता है लेकिन डिवोर्स ज्यादा लेता है। हाउ लकी। क्या? हम लोग आगे सुनो। इसका कारण यूं है कि पति और पत्नी के बीच में एक भरोसा होता है, विश्वास होता है, ट्रस्ट। अच्छा लगा? सुनने में बहुत अच्छा लगा। काश टीटू ने तुम्हें ये सब शादी के पहले भी बताया होता। क्या मतलब? अरे कम से कम तुम मुझ पर भरोसा करना तो सीखती। जब देखो बस तब शक शक शक। जाने दो, झूठ मत बोलो, मैं कोई शकवक नहीं करती किसी पर। शक नहीं करती? अच्छा, भूल गई वो तुम्हारी इलाहाबाद वाली सौतन को? चुप, क्या क्यों याद है?